Welcome to my channel and to the first session of Once Upon a Time with Malvika. You are in my library and this is the place that I call home. And this is where I narrate stories. My library is open to all and everybody is invited. So come, grab a pillow and a blanket. Ensconce on a chair, nestle that hot chocolate or coffee in your hands, and let's hear a story. This series shall progress in Hindi, and I am taking you to the faraway lands of Soviet Russia. So close your eyes and relax. Let me tell you a story. ये एक रूसी लोक कथा है। कहानी का शीर्षक है किसान का बेटा इवान और तीन भयंकर राक्षस। कभी किसी राज्य में एक बूढ़ा अपनी बुढ़िया के साथ रहता था। उनके तीन बेटे थे। सबसे छोटे का नाम इवान था। वे लोग जरा भी कामचोर नहीं थे। सुबह से रात तक मेहनत करते थे, हल चलाते थे और बीज बोते थे। एक दिन इस राज्य में एक बुरी खबर फैली कि एक बहुत ही भयंकर राक्षस देश पर हमला करने वाला है। वह लोगों को मौत के घाट उतारेगा और सभी नगरों और गांवों को आग की नजर कर देगा। बूढ़ा बुढ़िया बहुत दुखी हुए और रोने धोने लगे। बड़े बेटे ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, आप दुखी ना हो, हम उस भयंकर राक्षस से लड़ने जाएंगे और आखिरी सांस तक उससे लोहा लेंगे। इसलिए कि आपको एकाकीपन न खले, हम इवान को आपके पास छोड़े जाते हैं। वह तो वैसे भी लड़ने भिड़ने के लिए भी बहुत छोटा है। नहीं, मैं घर में रहना और तुम्हारा इंतजार करना नहीं चाहता। मैं भी भयंकर राक्षस से लड़ने जाऊंगा, इवान ने कहा। बूढ़े बुढ़िया ने इवान को न तो रोका टोका और न ही समझाया बुझाया। बूढ़े बुढ़िया ने अपने तीनों बेटों को सफर के लिए तैयार किया। तीनों भाइयों ने भारी भारी गदाएं ली, खाने पीने की चीजों से भरे हुए थैले लटकाए, अपने बढ़िया घोड़ों पर सवार हुए और चल दिए। वे बहुत दूर गए या थोड़ी दूर, ये तो राम जाने। आखिर रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग मिला। नमस्कार सूरमाओ, नमस्कार दादा, किधर जा रहे हो आप लोग? हम जा रहे हैं भयंकर राक्षस से लड़ने, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने। ये तो बड़ा नेक काम है, मगर लड़ने का काम तुम्हारी गदाओं से नहीं चलेगा। इसके लिए तो दमिश्क की इस्पात की तलवारें चाहिए। ये तलवारें कहां से हासिल करें दादा? ये मैं बताता हूँ सूरमाओ, आप बिल्कुल सीधे ही चलते जाओ। आखिर एक ऊंचा पहाड़ आएगा, उस पहाड़ में एक गहरी गुफा है, मगर उसके मुंह पर एक बहुत बड़ी चट्टान रखी हुई है। उस चट्टान को हटाकर गुफा में दाखिल हो जाना और वहां आपको दमिश्क की इस्पात की तलवारें मिल जाएंगी। तीनों भाइयों ने बुजुर्ग राहगीर को धन्यवाद दिया और जैसे उसने बताया था सीधे ही बढ़ चले। आखिर
फिर क्या देखते हैं कि एक ऊंचा पहाड़ खड़ा है जिसके एक ओर बहुत बड़ी चट्टान रखी हुई है। भाइयों ने उस चट्टान को हटाया और गुफा में दाखिल हुए। भीतर उन्होंने क्या देखा कि तरह तरह के हथियार ही हथियार हैं, जिनकी न कोई गिनती है न शुमार। उन्होंने अपने लिए एक एक तलवार चुन ली और आगे चल दिए। भला हो उस बुजुर्ग का, वे बोले, तलवार से लड़ाई करना कहीं अधिक आसान होगा। वे अपने घोड़े बढ़ाते गए। और आखिर एक गांव में पहुंचे। देखते क्या है कि वहां चारों ओर सुनसान है, न कोई इंसान है, न इंसान का नाम निशान। सब कुछ जला पड़ा है, खंडर ही खंडर है। बस एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी है। तीनों भाई झोपड़ी में गए। अलाव घर पर एक बुढ़िया लेटी हुई कराह रही थी। प्रणाम दादी, भाई बोले, जीते रहो सूरमाओं, किधर जा रहे हो? हम किशमिशी नदी के रस भरी पुल पर जा रहे हैं, भयंकर राक्षस से लड़ने, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने। शाबाश, बहुत नेक काम करने जा रहे हो। बहुत जालिम है वो राक्षस, सभी को लूटता खसोटता और मारता काटता है, सब कुछ आग की नजर कर डालता है। हमारे यहाँ उसने यही कुछ किया, बस एक मैं ही जिंदा बची हूँ। तीनों भाइयों ने बुढ़िया की झोपड़ी में रात बिताई, तड़के ही उठे और फिर चल दिए अपनी मंजिल की ओर। वे किशमिशी नदी और रसभरी पुल पर पहुंचे। तट पर सभी ओर टूटी तलवारें और तीर कमान पड़े थे, इंसानी पंजरों के ढेर लगे थे। भाइयों को एक खाली झोपड़ी मिल गई और उन्होंने वहीं रात बिताने का फैसला किया। भाइयों, मेरी बात सुनो, इवान ने कहा, हम बहुत ही दूर और एक अजनबी देश में आ गए हैं। अब हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए। आइए हम बारी बारी से पहरा दें ताकि भयंकर राक्षस रसपुरी पुल को पार न कर सके। पहली रात को सबसे बड़ा भाई पहरा देने के लिए गया। उसने तट पर चक्कर लगाया और किशमिशी नदी के पार नजर डाली। वहां एकदम सन्नाटा था, न कोई आदमी था, न जीव जंतु, न कोई आहट थी, न भनक। सबसे बड़ा भाई झाड़ियों के नीचे जाकर लेट रहा और तुरंत गहरी नींद में डूबकर जोर से खर्राटे लेने लगा। इधर इवान झोपड़ी में लेटा हुआ था, उसकी आंखों में नींद नहीं थी, वह तो ऊंग भी नहीं पा रहा था। जब आधी रात बीत गई तो उसने दमिश की इस्पात की तलवार उठाई और किशमिशी नदी की ओर चल दिया। वहां जाकर उसने देखा कि सबसे बड़ा भाई झाड़ियों के नीचे पड़ा जोरों से खर्राटे ले रहा है। इवान ने उसे जगाया नहीं, वह रसभरी पुल के नीचे छिप गया और वहां खड़े रहकर पहरा देने लगा। अचानक नदी के पानी में भारी खलबली मच गई और बलूत वृक्षों पर उकाब चीखने लगे। छह सिरों वाला भयंकर राक्षस चला आ रहा था। जैसे ही वो रसभरी पुल के बीचों बीच पहुंचा, उसका घोड़ा लड़खड़ाने और कंधे पर बैठा हुआ काला कौवा पंख फड़फड़ाने लगा और पीछे पीछे आते हुए काले कुत्ते के रोंगटे खड़े हो गए। छह सिरों वाला भयंकर राक्षस बोला, मेरे घोड़े, तू क्यों लड़खड़ा रहा है? काले कौवे, तू क्यों पंख फड़फड़ा रहा है? काले कुत्ते, तेरे रोंगटे क्यों खड़े हो गए हैं? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि किसान का बेटा इवान यहीं कहीं है? वह तो अभी पैदा भी नहीं हुआ, अगर पैदा हो भी गया
तो मेरे सामने वो राई जितना भी नहीं है, मैं उसे एक हाथ से ऊपर उठाकर दूसरे से मसल दूंगा। इतना सुनकर इवान पुल के नीचे से निकला और बोला, बहुत बढ़ चढ़कर बातें न कर दुष्ट राक्षस। अभी तो तूने उजले बाज को तीर का निशाना नहीं बनाया, इसलिए उसके पंख उखाड़ने की बात न कर। तुझे तो यह मालूम नहीं कि मैं कैसा सूरमा हूं, इसलिए तुझे मेरी खिल्ली उड़ाने का कोई हक नहीं। आ, जरा अपनी ताकत आजमा ले, जो जीत जाएगा वही अपनी डींग हाँक लेगा। इस तरह वे दोनों भिड़ गए और उनकी तलवारें इतने जोर से टकराई कि धरती कांपने और गूंजने लगी। भयंकर राक्षस का पलड़ा हल्का रहा। किसान के बेटे इवान ने तलवार से एक ही वार से उसके तीन सिर काट डाले। जरा ठहर जाओ किसान के बेटे इवान, भयंकर राक्षस चिल्लाया, मुझे जरा दम ले लेने दो। दम लेने की बात मत कर दुष्ट राक्षस, मेरे तीन सिर हैं और मेरा एक। जब तेरा भी एक ही सिर रह जाएगा तब हम दम लेने की बात करेंगे। वे फिर से भिड़े, फिर से उनकी तलवारें टकराने लगी। किसान के बेटे इवान ने उसके बाकी तीन सिर भी काट डाले। फिर उसने उसके शरीर के टुकड़े किए, उन्हें किशमिशी नदी में फेंका, रस भरी पुल के नीचे उसके छह सिर छिपाए और खुद झोपड़ी में जाकर सो रहा। सुबह को सबसे बड़ा भाई वापस आया और इवान ने उसे देखा तो पूछा, कहो भाई, कुछ नजर आया? नहीं भाइयों, मेरे पास तो मक्खी तक भी नहीं फटकी, उसने जवाब दिया। इवान यह सुनकर खामोश रहा। अगले दिन मंझला भाई पहरा देने गया। उसने इधर उधर चक्कर लगाया, सभी ओर नजर डाली और यह समझ लिया कि सब कुछ ठीक ठाक है। वह भी झाड़ियों के नीचे जाकर लेट रहा और सो गया।